अबू मैं कब वोट डाल सकता हूँ? बेटा रैम्बो, जब तेरी अकल की तार निकल आएगी तब। हसमत पकली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। ए बसंती, तेरी अकल की दर्द आई क्या? मैं तो बहुत बोलने लगा है रामबू आजकल, हाँ थोड़ा चुप रहा कर, समझो चुप। पता है हम ना इस बार उसी को वोट डालेंगे जिसको मैडम वोट डालेगी। अच्छा, और मैडम वोट किसको डालेंगी? जिसको साहब वोट डालेंगे। अरे पगली, ये जो वोट होता है ना, ये अपनी समझ और परख से डाला जाता है, ना किसी को बताओ ना बोलो, चुप चुप। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमने तो सुना है कि तुम लोग तो जो इमाम साहब का फतवा निकलता है ना, उस हिसाब से वोट डालते हो। क्या बात है पगली, तूने बिल्कुल सही सुना है। अरे बल्कि मैं भी इसके सख्त खिलाफ हूँ। हमारा संविधान आपको ये पूरा अधिकार देता है कि आपका वोट आपका पर्सनल वोट रहता है, उस पर सिर्फ आपका अधिकार रहता है। ये मौलाना, गुरु, ये सब तो आपके वोट का सौदा करते हैं और फिर बदले में नेताओं से भारी पैसा और मुनाफा ले जाते हैं। अब दूर क्यों जाना, राम रहीम इंसान को ही देख लो, है कि नहीं? मतलब समझ में आ रही कि नहीं बात? तो बेटा आप बताओ वोट किसको डालोगी? हम क्यों बताएं? बहुत सयानी हो गई है, अब नहीं पटेगी अब्बू तुम्हारे से। तू चुप कर बेसन। तो बसंती, अपने वोट का सही इस्तेमाल किया करो, अरे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब इसमें अकेला भला मोदी क्या करेगा?